हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड कैंसर, कि ब्लड कैंसर क्या होता है और ब्लड कैंसर कितने टाइप का होता है। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो के अंदर इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये ब्लड कैंसर क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना वीडियो कि ब्लड कैंसर क्या होता है। व्हाट इज ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इस प्रकार का कैंसर आपके ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन या उत्पादन और कार्यों को प्रभावित करता है। ब्लड कैंसर बोन मैरो में शुरू होता है, जो ब्लड प्रोडक्शन या उत्पादन का अभिन्न स्रोत होता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड जो बनता है या ब्लड की जो सेल्स बनती हैं वो सभी हमारी बोन मैरो के अंदर बनती हैं। ठीक है, आपके बोन मैरो में स्टेम सेल्स मैच्योर होती हैं और तीन प्रकार की ब्लड सेल्स में विकसित होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं, तीन प्रकार की जो सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो डब्ल्यूबीसी बोली जाती हैं, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये तीन टाइप की फ्रेंड्स सेल्स होती हैं। अब बात करते हैं आगे हम कि कैंसर के मामलों में, यानी ब्लड कैंसर के मामलों में, ब्लड उत्पादन प्रक्रिया असामान्य प्रकार के ब्लड सेल्स के विकसित या विकास की वजह से गड़बड़ा जाती है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर से उसका विकास हो नहीं पाता है। ब्लड कैंसर किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, क्योंकि जो ब्लड कैंसर है इसका कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि किस एज में हो सकता है, ये हर किसी एज में ब्लड कैंसर हो सकता है। लेकिन इस बीमारी के होने का जो खतरा है, ज्यादातर आफ्टर 30 ईयर्स, यानी कि लगभग 30 साल के बाद ज्यादा होने के चांस हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि 30 ईयर बाद ही हो, पहले भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांस जो होते हैं वो आफ्टर 30 ईयर्स के बाद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लड कैंसर मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, यानी तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है वो, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और माइलोमा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर हम बात करते हैं कि ल्यूकेमिया क्या होता है। ल्यूकेमिया जो असामान्य व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, के लगातार उत्पादन के कारण होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स लिम्फोमा क्या होता है, लिम्फोमा लिम्फेटिक प्रणाली को प्रभावित करता है। ठीक है, और जो माइलोमा होता है, माइलोमा जो प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है, जो एंटीबॉडी गठन में मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहां पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर, यानी ब्लड कैंसर कितने टाइप का होता है। तो जैसा कि वीडियो में मैंने भी पीछे बताया कि जो ब्लड कैंसर होता है ये तीन टाइप का होता है, वैसे होता और ज्यादा भी है, बट जो उसके कॉमन टाइप्स हैं वो थ्री टाइप्स होते हैं, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और माइलोमा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले ल्यूकेमिया की, ल्यूकेमिया क्या होता है। तो फ्रेंड्स ल्यूकेमिया भी जो होता है ये भी चार टाइप का होता है। ठीक है, तो ये जो चार टाइप्स होते हैं, इसमें सबसे पहला टाइप आता है एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया, जिसे शॉर्ट में AMLB बोल देते हैं। ठीक है, तो एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया क्या होता है, ये अधिकतर बच्चों और एडल्ट्स में होता है। ठीक है, ये ल्यूकेमिया का सबसे आम रूप होता है, यानी कि सबसे कॉमन टाइप होता है। ठीक है, ये तब होता है जब बोन मैरो में ब्लास्ट सेल का विकास शुरू हो जाता है, यानी कि ब्लास्ट सेल ज्यादा बनने लग जाती हैं। ठीक है, ये ऐसी सेल्स होती हैं जो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाती हैं, ये सामान्य रूप से व्हाइट ब्लड सेल्स में विकसित होती हैं। ठीक है, जो एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया होता है ये भी, इसके भी 8 अलग अलग उपप्रकार होते हैं, यानी कि इसके भी सब टाइप होते हैं जो 8 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो 8 टाइप है वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर माइलोब्लास्टिक M0। ठीक है, सेकेंड आता है माइलोब्लास्टिस M1। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें माइलोब्लास्टिक M2, इसके बाद आता है प्रोमालिटिक M3, इसके बाद आता है माइलोमोनोसाइटिक M4। ठीक है, मोनोसाइटिक M5, एरेथ्रोल्यूकेमिया M6। ठीक है, और सबसे लास्ट आता है मेगाकार्डियोसाइटिक M7। तो ये इसके 8 टाइप होते हैं। ठीक है, AML के, यानी एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया के, ये 8 टाइप होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कि इसका जो नेक्स्ट आता है, जैसे मैंने चार टाइप बताए, तो पहला AML था, दूसरा आता है ALL, यानी एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो फ्रेंड्स एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं हम। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया ज्यादातर बच्चों में होता है। ठीक है, और एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया तेजी से विकसित होता है, यानी कि यह तेजी से फैलता है। ये स्वस्थ सेल्स की जगह ल्यूकेमिया सेल्स का उत्पादन करता है।
जो ठीक से मैच्योर नहीं हो पाती हैं। ल्यूकेमिया सेल्स ब्लड वेसल्स के साथ अन्य ऑर्गन्स तथा टिश्यू तक पहुंच जाती हैं, जिनमें ब्रेन, लीवर, लिम्फ नोड्स और टेस्टिस शामिल हैं। ठीक है, जहां ये सेल्स बढ़ती हैं और विभाजित होती हैं, इन ल्यूकेमिया सेल्स के बढ़ते या डिवीजन होने से और प्रसार के परिणाम स्वरूप कई संभावित लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया आमतौर पर अधिक बी सेल्स यानी कि जो बीटा सेल्स होती हैं के उत्पादन के साथ संबंध होता है। बी और टी सेल्स शरीर को इन्फेक्शन या इन्फेक्टेड और जो हमारे कीटाणु होते हैं या बैक्टीरिया वायरस से रोकने और पहले से ही इन्फेक्टेड सेल्स को नष्ट करने में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बी सेल्स विशेष रूप से जो रोगाणु द्वारा शरीर को संक्रमित करने से रोकने में मदद करती हैं, जबकि टी सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स को नष्ट करती हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 3, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया जिसे CML बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया क्या होता है? तो फ्रेंड्स, क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया ज्यादातर एडल्ट्स को प्रभावित करता है, यानी कि ये ज्यादातर एडल्ट्स के अंदर होता है। ठीक है, इसे क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया के रूप में भी जाना जाता है। क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया कैंसर का एक ऐसा रूप होता है जो बोन मैरो और ब्लड को प्रभावित करता है। यह बोन मैरो की ब्लड बनाने वाली सेल्स में शुरू होता है और फिर समय के साथ ब्लड में फैलने लग जाता है। आखिर में यह शरीर के अन्य ऑर्गन्स या और पार्ट्सों में फैल जाता है। क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया एक असामान्य क्रोमोसोम्स के साथ संबंधित होता है जिसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स यानी कि PH क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये होता है क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। अब फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जिसे CLL बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया ये ज्यादातर आफ्टर 50 या 55 ईयर्स से अधिक उम्र के लोगों को होता है। ठीक है, ये बच्चों में बहुत ही कम पाया जाता है, यानी कि बहुत ना की बराबर ये बच्चों के अंदर होता है। ठीक है, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया आमतौर पर धीमी गति से बढ़ने वाला कैंसर है, यानी कि ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो बोन मैरो के लिम्फोसाइट्स में शुरू होता है और ब्लड में फैलता है। ये लिम्फ नोड्स और लिवर आदि जैसे ऑर्गन्स में फैल सकता है। जब बहुत से असामान्य या एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स विकसित होने लगते हैं तो सामान्य ब्लड सेल्स का विकास नहीं हो पाता, यानी कि जो नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं वो पूरी तरह से बन नहीं पाती हैं और बॉडी या हमारे शरीर का इन्फेक्शन से लड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स प्रॉपर नहीं बनेंगी तो वो कोई भी अगर हमारे पास इन्फेक्शन आ रहा है तो वो उससे लड़ नहीं पाती है या उसको भी झेल नहीं पाती है। ठीक है, इसी से CLL विकसित होता है, यानी कि इसी से क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया विकसित होता है, यानी कि बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इसके टोटल टाइप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।